फिर सब गाइस, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। और आज की स्लीट स्टूडियो में बात करेंगे एप्पल के आईफोन 7 की, जो कि 2023 में परचेज करना वर्थ इट है कि नहीं, या फिर आप अगर इसे रिफर्बिश्ड, या फिर आप इसको सुपर कंडीशन, या फिर आप इसको एकदम एक्सीलेंट कंडीशन में परचेज करते कैशिफाई वगैरह से या किसी भी ऑफलाइन स्टोर से, तो इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं, तो सारी परफॉर्मेंस डिटेल्स भी इसकी बताने वाला। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फोन जो मेरे को काफी पसंद आया, 4.7 इंच की रेटिना डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने मिलती है, और ये वाटर रेजिस्टेंट है। ओवरऑल मेरे को पता है कि इसके अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंट मिलता है 1 मीटर का, तो आप 1 मीटर भी अगर इसको पानी में ले जाते थे, यहाँ पर इसको डिवाइस को कुछ भी इशू होने वाला नहीं है। और 5 साल के अंदर फोन अभी भी कंडीशन आप देख सकते हैं उस तरीके की है। दोस्तों, डिवाइस का जो क्वालिटी है वो अभी 4 साल 5 साल हो चुके हैं, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे बिल्ड क्वालिटी, तो वो कुछ इस तरीके की है। मेरे को यहाँ पर कोई भी इशू नहीं लगा, डिवाइस वगैरह यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करता है। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो बीजीएमआई वगैरह भी इसमें खेल सकते, कोई इशू नहीं है। टच स्क्रीन देखेंगे प्रॉपरली यहाँ पर काम करती है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कैमरा भी यहाँ पर कंसिस्टेंट है, जैसे पहले था वैसे ही है। अगर मैं इस कवर की इमेज लूँ तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इमेज की क्वालिटी, यहाँ पर कहीं भी ब्लर आपको देखने नहीं मिलेगा। क्वालिटी वाइज यहाँ पर कैमरा भी काफी अच्छा काम करता है, 4K 60fps तो नहीं, बट 4K 30fps एंड फुल HD की 60fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, कैमरा 12 MP का मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एप्पल को लोग काफी ऊपर है जो 7 के अंदर है। अदर सीरीज में बात करें तो वो मिडल में थोड़ा सा आ चुका है। एप्पल की यहाँ पर ब्रांडिंग, मतलब की आईफोन यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, बाकी सारी डिटेल्स। अगर मैं बात करूँ टच सेंसिटिविटी की, तो यहाँ पर अच्छे से काम करता है, बट हाँ एक चीज है, इसके अंदर जो है लेटेस्ट अपडेट में वो भी आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। तो चलते हैं जनरल में, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 15.7.8 का, जो मैंने इसको अपडेट नहीं कराया, अभी इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर हम बैटरी हेल्थ की बात करें तो 5 साल मतलब इसको बस हो ही गए और इसकी बैटरी हेल्थ सर्विस आ चुकी है, बट ये यहाँ पर है 78% और यहाँ पर अभी भी हम इसको यूज कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर ज्यादा देर इशू नहीं है। बट एक चीज है कि बैटरी जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बस अगर आप मल्टीटास्किंग करते, कॉलिंग वगैरह करते तो ठीक है, अदरवाइज अगर इसमें आप वीडियोज मूवीज या फिर आप गेमिंग करते हैं, बैटरी आपकी ज्यादा नहीं चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो यही थी डिटेल आईफोन 7 की। एंड्रॉइड से एप्पल में स्विच करना है या फिर iOS का एक्सपीरियंस लेना है तो आप स्टार्टिंग इससे भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल 5G आ चुका है तो आपको आईफोन 12 और उससे अब भी जाना चाहिए अगर आप ऑलरेडी एक आईफोन यूजर हैं। तो अगर आपके पास 7 है, 8 है, 6 है, 6S है या कुछ भी आपके पास, तो आपको मेरे हिसाब से आईफोन 12 से अब सीरीज पे जाना चाहिए या फिर 12 जाना चाहिए। 12 बेस्ट डिवाइसेस है और इसके अंदर आपको 5G भी मिलता है। 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ A14 बायोनिक चिप मिलती है 12 के अंदर, A15 मिलती है 13 के अंदर, 14 में भी A15 मिलती है, और अगर हम उसके प्रो मैक्स की सीरीज में जाएंगे तो वहां पर आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। और जो 15 लॉन्च हो रहा है उसके अंदर बेस वेरिएंट में A16 बायोनिक चिप आपको देखने को मिलने वाली है। और मेरे को जो आईफोन 7 है वो काफी अच्छा लगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद है, पसंद लाइक करिए, चैनल पर तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मैं देता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।